सरकारी स्कूल्स और दिल्ली के बच्चों के नाम पर सियासत तो अरविंद केजरीवाल अरसे से करते आ रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी ने सारी हदें ही पार कर दी। स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों पर आम आदमी पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता तक दबाव बना रहे हैं। स्कूल्स के गेट पर बच्चों के साथ मनीष सिसोदिया के बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जिन पर लिखा है आई लव यू मनीष सिसोदिया। इतना ही नहीं, बच्चों को केजरीवाल ने जिस तरह से अपनी घटिया सियासत का मोहरा बनाया उसको लेकर दिल्ली की जनता और अभिभावकों में गहरी नाराजगी है, और अब इस घटिया सियासत का खुलकर विरोध भी किया जाने लगा है। इस बाबत शनिवार को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थानीय निवासियों ने स्कूल के बाहर लगाए गए बैनर का विरोध किया। बाद में इस बाबत पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई गई। मामले की शिकायत स्थानीय निवासियों द्वारा पुलिस में की गई। लोगों का कहना है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है, लेकिन मनीष सिसोदिया के समर्थन में स्कूल्स के गेट पर ऐसे पोस्टर्स लगाना उचित नहीं है। शिकायतकर्ताओं द्वारा इस बाबत एक विधायक से संपर्क कर पूछा गया कि क्या पोस्टर लगाने की अनुमति उन्होंने दी है, तो विधायक ने हाँ कहा। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनके विरोध के बाद पोस्टर्स को वहां से हटा लिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि दिल्ली स्कूल्स में बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रिंसिपल से पूछताछ करने पर जब उन्होंने पूरे मामले की गंभीरता को नहीं समझा, तब इस बाबत पुलिस में शिकायत दी गई। इस मामले में पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी द्वारा जब स्कूल के गेट पर पोस्टर लगाने का विरोध किया और इसे गलत बताया, तब पोस्टर लगाने वालों ने कहा कि केंद्र सरकार जो कर रही है क्या वह सही है। स्थानीय निवासी के मुताबिक पोस्टर लगाने को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले को लेकर एक स्थानीय निवासी दिवाकर पांडे ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायतकर्ता दिवाकर पांडे ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शास्त्री पार्क में सरकारी स्कूल के गेट के ऊपर एक बैनर लगा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने स्कूल से एक डेस्क निकाली और उसे बाहर लाकर उस पर चढ़ गए। गेट पर आई लव यू मनीष वाला पोस्टर लगाने लगे, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि ये शिक्षा का मंदिर है, इसे राजनीति से दूर रखो। शिकायतकर्ता दिवाकर ने बताया कि जब हमने बैनर लगाने वालों से पूछा कि क्या उनके पास इसकी अनुमति है, तो उन्होंने खुद को विधायक अब्दुल रहमान के संबंधी होने का दावा किया, और उसके बाद एक शख्स ने विधायक से संपर्क किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इजाजत दी है, तो विधायक ने हाँ में जवाब दिया। हम जानते हैं विधायक झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी राजनीतिक लाभ के लिए किसी स्कूल का इस्तेमाल करने की अनुमति कभी नहीं दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।